राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आप ढूंढ रहे हैं मूंग दाल की एक आसान सी रेसिपी, आप चाहते हैं कि हम मूंग दाल की नमकीन को घर पे ही बना लें, लेकिन वो बिल्कुल कुरकुरी और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने जैसे कि बाजार में आती है, और आपने बहुत बार ट्राई भी कर लिया है बट आपसे बन नहीं रही है, तो आज मूंग दाल नमकीन बनाने की एक खास ट्रिक आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल बाजार के जैसी, इवन बोलूँगी बाजार से बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैंने यहाँ पर ले ली है करीब ये 250 ग्राम के जितनी मूंग दाल। मूंग दाल थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की लेनी है अगर आप नमकीन बनाने की सोच रहे हैं। इसमें पानी डाल के कम इसको अच्छे से रगड़ते हुए 3-4 बार पानी में धो लेना है, जब तक इसका वाइट पानी आना बंद नहीं हो जाता है। फिर हम इसमें खूब सारा पानी डाल देते हैं और इसको 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से फूल सके। मैं यहाँ पर इसको 4-5 घंटे के बाद देख रही हूँ, जो हमारी दाल है वो बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है। देखिए इसका जो कलर है वो भी हल्का सा वाइट हो रहा है और ये जो है मतलब फूल के डबल हो रही है। एक छलनी ले लेते हैं और इसका पानी निकाल लेते हैं। तो पानी के अंदर से हमें दाल को अच्छे से निकाल लेना है। तो देखिए इसका जो पानी है ना, निकला हुआ पानी कितना वाइट है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपने भीगी हुई दाल ली थी, भीगने के यानी कि फुलोने के बाद फिर से पानी में इसको एक दो बार धो लेना है ताकि जो इसका वाइट यानी गंदा पानी होता है वो बिल्कुल साफ हो सके। फिर हमें कोई भी कॉटन वगैरह का कपड़ा ले लेना है और ये जो दाल है इस तरीके से निकाल के फैला देनी है। इसको आपको 10 से 15 मिनट के लिए पंखे की हवा में रहने देना है, दाल जब तक अच्छे से मॉइस्चर फ्री नहीं हो जाती है। तो दाल जो है हमारी बढ़िया से जो है मतलब सूख के तैयार हो रही है। इसको हमें धूप में नहीं सुखाना है, कहीं आपको ऐसा लगे कि चलिए इसको धूप में सुखा देते हैं 5 मिनट में ही बात बन जाएगी, तो धूप में नहीं सुखाना है, इसको पंखे की हवा में या फिर छांव में ही सुखाना है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है अच्छा सा, एकदम हाई टेम्परेचर पर हमें जो है तेल को गरम करना है और इस तरीके से दाल को फ्राई करना है। एकदम से हमें तेल के अंदर दाल को नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही ये मॉइस्चर वाली दाल हमारे बहुत ज़्यादा गरम तेल के अंदर जाएगी तो इसमें जाते के साथ ही इसमें बहुत तेज़ी से एक उबाल सा यानी उफान सा आता है, छींटे लगते हैं बहुत तेज़ी से मतलब कि, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इस तरीके से आप झारे पे लेके दाल को डालोगे तो आप थोड़ा सा जलने वलने से बच जाओगे, और जब तक आपकी दाल इस तरीके से तैर के ऊपर नहीं आने लगते जब तक ही आपको ये सेकना है। जब तैर के ऊपर आने लगे तुरंत आपको ये निकाल लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे दाल तैर के तेल के ऊपर आती है उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो वो कड़क हो जाती है। आप बोलोगे कि अनीता आपने पहले बताया नहीं था। तो चलिए ये जो दाल है ना गरम गरम ही एक बाउल में डाल लेते हैं। इसमें हल्का सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे हम डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा जो बाजार की नमकीन आती है केवल उसमें नमक ही होता है, बट मैंने इसको थोड़ा सा चटपटे वे में बनाया है। एक दाना तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बन के ये तैयार हुई है। मैं तो यही बोलूँगी बिल्कुल बाजार के जैसी, बाजार से बहुत ज़्यादा अच्छी ये नमकीन बन के तैयार हुई है। इसको जब मैंने अपने घर पर बना लिया और जैसे ही हम शाम के टाइम की चाय पीने के लिए बैठे तब मैंने अपने बच्चों को ये खाने के लिए दी और मैंने बोला कि नमकीन खाने में कैसी लग रही है, तो बोले मम्मी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे नॉर्मल मार्केट में नमकीन आती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आप इस नमकीन को अपने घर में और ज़्यादा बना के रखना, मतलब रोज़ रोज़ हम इसी को खाएंगे। इसको स्टोर करने के लिए कोई भी आपको कांच का, प्लास्टिक का, स्टील का कंटेनर ले लेना है, स्टोर कर लेना है।